जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमांडो एकेडमी में। दोस्तों, जो आज का ये वीडियो स्पेशली मैं बना रहा हूँ SSB पे, साथ ही SSB और BSF में जो लड़कियों की ड्यूटी होती है उनमें क्या डिफरेंस होते हैं और क्या इनकी स्पेशल ड्यूटीज होती है SSB और BSF में जो लड़कियों की ड्यूटी होती है उनमें कितना फ़र्क होता है। दूसरा, ये SSB के बारे में स्पेशल वीडियो, क्योंकि इससे पहले मैंने SSB पे कोई विशेष वीडियो नहीं बनाया था कि SSB की जो SSB है इसकी जो ड्यूटी, सशस्त्र सीमा बल की जो ड्यूटी होती है वो क्या होती है, अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया में इनकी कहाँ कहाँ ड्यूटी लग सकती है, कौन कौन से एरिया में ये ड्यूटी करते हैं, उनकी हार्ड ड्यूटी कौन सी होती है और जो ईजी ड्यूटी होती है वो कौन सी होती है। दोस्तों, स्पेशली आप सभी को ये बातें, कुछ ऐसी बातें जो इसके बारे में नहीं पता होगी वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ, जो SSB ड्यूटी करती है वो जो इंडिया का रो, आपने सुना होगा, जो इंटेलिजेंस खुफिया एजेंसी है उसको सशस्त्र बल यानी सशस्त्र सेवाएं प्रदान करता है, मतलब उसकी सिक्योरिटी को देखता है। दोस्तों, 2001 से, आप सभी को पता नहीं होगा, 2001 से जो SSB की जो ड्यूटी है वो इंडिया भूटान और नेपाल बॉर्डर पे स्पेशली लगाई गई है। तो सबसे सिक्योर BSF की और इनकी जो ड्यूटी में जो सिक्योर माना जाता है, जो BSF भी बॉर्डर ड्यूटी करता है, SSB भी बॉर्डर ड्यूटी करता है और ITBP भी बॉर्डर ड्यूटी करता है, लेकिन जो फ़र्क माना जाता है, आपको आपने देखा होगा BSF काफ़ी बड़ी फोर्स है, CIPF के बाद में दूसरे से नाम BSF का आता है, तो ये सभी बॉर्डर फोर्स है। तो इसका जो रीज़न है मेन, जो BSF जिस बॉर्डर एरिया पे ड्यूटी करती है उसके ऊपर हमेशा झड़प रहती है, उसका जो संविधान में या जो भी कानून है, उसका जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसमें जो रेखा है वो अभी तक पूर्ण रूप से गठित नहीं, इसीलिए उसके बार बार उस पर झगड़ा होता रहता है, इसीलिए वो हाईलाइटेड रहती है। लेकिन जहाँ पर SSB और ITBP ये ड्यूटी करते हैं, स्पेशली जो SSB ड्यूटी करते हैं भारत नेपाल और भारत भूटान, तो इन देशों से भारत का सीमा से संबंधित कोई भी झगड़ा नहीं है। और आपको पता ही होगा कि जो भूटान देश है इसमें जितनी भी जो इनकी भूटान देश की खुद की कोई भी सैनिक संगठन नहीं है, उनका कोई भी सेना नहीं है, कुछ भी नहीं है उनका, तो उनके जो जितने भी जो सैनिक है वो सभी इंडिया प्रोवाइड करती है, उनको आर्मी, इंडियन आर्मी ही वहाँ ड्यूटी करती है भूटान में, तो उनकी खुद की कोई देश की सेना नहीं है। तो जहाँ पर SSB ड्यूटी करती है जो भूटान और नेपाल बॉर्डर पे, तो यहाँ पर कोई भी लड़ाई झगड़ा कम ही होता है, इसीलिए SSB की ड्यूटी इजी मानी जाती है। इजी नहीं, ड्यूटी तो उतने ही घंटे होती है, मतलब सेफ मानी जाती है BSF की बजाय। जिस प्रकार से BSF ड्यूटी करता है, जैसे जैसलमेर उधर से ले लो या कश्मीर से ले लो, जम्मू से ले लो, तो इधर बार बार सीज फायर के उल्लंघन होता रहता है, बार बार जो फायरिंग चलती रहती है, तो ये भूटान से ऐसा कोई भी समस्या नहीं होती, क्योंकि भूटान में अपने देश की सेना ही उनकी सेना है, क्योंकि भूटान ऐसा देश है मात्र जिसकी खुद की कोई सेना नहीं है, तो इसलिए इंडियन आर्मी वहाँ पे ड्यूटी करती है, तो कोई स्पेशल रिस्क नहीं होती SSB को इन दोनों बॉर्डर में। दूसरा, आपको पता है नेपाल में जाने के लिए, भारत को नेपाल का जो रिश्ता है वो इस प्रकार से है कि नेपाल में जाने के लिए आपको किसी भी वीजे की किसी की भी जरूरत नहीं है, आप कभी भी जैसे किसी स्टेट में आके जाते हो उस प्रकार से आप नेपाल में भी इंडिया से आ जा सकते हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। तो इसीलिए SSB की जो ड्यूटी होती है, तो एक तो ये ड्यूटी हो गई इन बॉर्डर पे, दूसरा जो रो एजेंसी है इंडिया की, जो रो एजेंसी है जो काम करती है देश की, जो खुफिया एजेंसी है, तो उसको जो सशस्त्र मतलब सिक्योरिटी जो प्रदान करती है वो SSB ही करती है दोस्तों, एक ड्यूटी हो गई। इसके अलावा देश के जो आंतरिक सुरक्षा के टाइम में जैसे इलेक्शन ड्यूटीज भी करती है, इसके अलावा जो भी और भी कोई गवर्नमेंट जो जैसे ड्यूटी आती है, इलेक्शन ड्यूटी जो स्टेट लेवल की हो गई या सेंट्रल लेवल की हो गई, इसके अलावा कोई 144 जो धाराएं लगती है देश में, आपने देखा होगा SSB के उसी जगह पे भी कई जगह। अब इनकी ड्यूटीज़ कहाँ कहाँ लगती है इंडिया में, स्पेशली भारत नेपाल भूटान बॉर्डर, इस पर तो लगती ही लगती है, इसके अलावा इंडिया में और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर इसकी ड्यूटी लगती है, राजस्थान में भी है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन सभी स्टेट, आंध्रा में भी बहुत सारे, मतलब साउथ सेक्टर, सभी सेक्टर में धीरे धीरे इसका जो रूप है वो बढ़ता जा रहा है और इंडिया के काफ़ी हद तक, काफ़ी कोने में ये ड्यूटीज़ करता है दोस्तों। दिल्ली, आपको पता है सेंटर, दिल्ली विल्ली, दिल्ली, जयपुर, राजस्थान है या हरियाणा, इन सभी जगह तो SSB है ही है। जो स्पेशल जो ड्यूटी होती है वो तो भूटान नेपाल बॉर्डर के अलावा इन सभी जगह होती है और इलेक्शन में सभी पूरे इंडिया में ड्यूटी करती है दोस्तों। अब जो SSB की जो लड़कियां या BSF में जो लड़कियां सेलेक्ट होती है या जिनका सिलेक्शन होता है, तो उनकी ड्यूटीज़ में क्या क्या फ़र्क रहते हैं, देखो चाहे BSF हो चाहे SSB, ड्यूटीज़ दोनों में बराबर होती है। फ़र्क ये होता है कि जो BSF में जो ड्यूटीज़ करती है, आपको पता है कईयों ने, मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें ऐसा बनाया था कि जो भी लड़कियां जो ड्यूटी करती हैं इनको स्पेशली जैसे किसी ग्रुप सेंटर में या ट्रेनिंग सेंटर में ड्यूटीज़ मिलती है, लेकिन उसमें सभी को ऐसा नहीं है कि सभी को केवल ट्रेनिंग सेंटर या ग्रुप सेंटर या CGO कोई कॉम्प्लेक्स है बड़ा तो उसमें या कहीं ऑफिस में ही काम मिलता है, ऐसा नहीं है। आपको बिल्कुल ड्यूटी करनी पड़ती है, बॉर्डर पे भी ड्यूटी करनी पड़ती है, जहाँ BSF के आप
कई अगर कईयों ने विजिट नहीं किया जैसलमेर का, तो जैसलमेर अगर कोई जाता तो वहाँ पर देखना बॉर्डर पर लड़कियाँ भी ड्यूटी करती है, मोर्चों में जहाँ पर बॉर्डर लगती है भारत पाकिस्तान का, वहाँ पर लड़कियाँ भी ड्यूटी करती हैं। तो बॉर्डर ड्यूटी भी जो ड्यूटी होती है उसमें भी करना पड़ता है, ड्यूटी करनी पड़ती है। वो तो जो आपकी ड्यूटी है उसके लिए जिसके लिए आप भर्ती हो रहे हो तो वो तो करना ही है। मैंने ये बोला था कि ज़्यादातर जो टाइम है इनकी जो ड्यूटियाँ रहती है, जैसे ट्रेनिंग सेंटर, ग्रुप सेंटर या अलग से जो महिला बटालियन है जैसे, तो उनमें इनकी ड्यूटी रहती है। और स्पेशली मतलब काफ़ी हद तक ये वहीं पे रहती है, ज़्यादा सिटी क्षेत्र में रहती है, टिपिकल एरिया में बहुत ही कम ड्यूटीज लेते हैं। हाँ, अपनी चॉइस से ही टिपिकल एरिया में ये ड्यूटीज़ लेते हैं। जैसे अभी CRPF में एक DSP है, वो अपनी चॉइस से कोबरा में, तो वो कोबरा में ड्यूटी करते हैं अपनी चॉइस से, ऑपरेशन ऑप्स भी करते हैं बार बार, कई बार उन्होंने अच्छे ऑप्स भी किए, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, उनका किरण नाम है, DSP है, तो काफ़ी उनका भी नाम है और उनको अच्छा लगता है, प्राउड लगता है उनको, तो इसलिए वो ड्यूटीज़ करते हैं। और जो उनके हस्बैंड है वो CRPF में ही है, डॉक्टर है, उन्होंने डिपार्टमेंटली मेरी जो रखी है, तो कोबरा में ऑप्स करते हैं, तो वो एक चॉइस पोस्टिंग से उन्होंने लिए और अपनी मर्जी से वो ऑप्स ड्यूटी कर रहे हैं, तो वो टिपिकल एरिया। बाकी जो लड़कियों जो ड्यूटी होती है वो टिपिकल एरिया में बहुत ही कम टाइम के लिए, मतलब बहुत कम समय के लिए होती है, लेकिन दोनों की जो ड्यूटीज होती है वो सेम होती है। ये इंडिया नेपाल और भूटान बॉर्डर पर है तो इन पर ड्यूटी करनी पड़ती है उधर भी, लेकिन वो ईजी ड्यूटी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। और जो BSF में होते हैं इनको भी बॉर्डर, जितना भी बॉर्डर लगता है उनमें से कहीं पर भी जहाँ पर महिला बटालियन गठित की गई कि यहाँ पर इस एरिया में इस यहाँ इन मोर्चों में महिलाएँ रहेगी, या महिला बटालियन जहाँ गठित करके, तो वहाँ पर उनको ड्यूटी करनी करनी है। ये नहीं है कि 100% वो ग्रुप सेंटरों में या ट्रेनिंग सेंटरों में ही रहेगा, ऐसा नहीं। इलेक्शन में भी ड्यूटियाँ करती हैं महिलाएं, तो क्योंकि आपको जब फौज की ट्रेनिंग कर लेते हैं तो आप किसी सोल्जर से कम नहीं होते, तो ड्यूटी में ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन हाँ, इतनी हार्ड भी आपकी ड्यूटी नहीं होती जैसे किसी बार ऑपरेशन में बता रहा हूँ, जैसे ऑपरेशन में वो अपनी चॉइस से जा रहे, बाकी आपको किसी भी ऐसे ऑपरेशन में नहीं भेजा जाता है अभी फ़िलहाल, आगे चल के नियम चेंज हो सकते हैं, और कोई अपनी चॉइस से जाना चाहता है तो उसको तो कोई रोक नहीं सकता। तो स्पेशली ये ड्यूटी ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, अगर आप SSB और BSF को कंपेयर करो तो जितने भी आपके मन में शंका वो हटा दीजिए, दोनों की ड्यूटीज़ में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सेम ही ड्यूटीज़ है, सेम ही घंटे की ड्यूटी आती है, सेम ही दैनिक दिनचर्या रहती है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। उनकी ड्यूटी राजस्थान में, तो आपकी नेपाल भूटान के इस बॉर्डर पर, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड इस साइड में हो सकती है, तो इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं हो। पूरे इंडिया में आप भी ड्यूटी करते हो, ग्रुप सेंटरों में भी करते हो, ट्रेनिंग सेंटरों में करते हो, ऑफिसों में भी आप काम करते हो, तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो आपको कई बोल रहे हैं कि सर हम BSF लेना था, हमने SSB लेना था, ऐसा कुछ फ़र्क नहीं है, ड्यूटी सेम ही है सभी की, आपको घबराने की चिंता नहीं बिल्कुल, और बढ़िया से आप ड्यूटी करोगे। और जिस भी डिपार्टमेंट में जाओगे, चाहे इनमें से कोई भी डिपार्टमेंट में अगर आप जाते हो, चाहे CRPF, BSF, ITBP, CISF, इनमें से किसी में भी डिपार्टमेंट में अगर आप महिला के रूप में या लड़की के रूप में अगर आप ड्यूटी करते हो, मैं बोल रहा हूँ 101% की ड्यूटी में कोई ही चिंता वाली बात नहीं है, और शानदार ड्यूटी है, आपको बिल्कुल ही सोचने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा टिपिकल ड्यूटी होगी या कुछ होगी। हाँ, आपको पता ही है कि फौजी बनना, जैसे आर्मी चीफ ने कहा, ये केवल जॉब ही नहीं है, यहाँ बहुत सारे तपस्या के रूप में इसको लेना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी बलिदानी देनी पड़ती है, बहुत सारी खुशियों को त्यागना पड़ता है, अपने परिवार से दूर भी रहना पड़ता है, तो वो चीज़ें तो है। बेल्ट की नौकरी अगर आप करते हो और फौज की नौकरी करते हो, तो आप चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, आपको ये चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। आप अगर चाहते हो कि मैं हर हमेशा फैमिली के साथ रहूँ और फिर फौजी बनते हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। चाहे आप कोई सी भी जॉब में हो, परमानेंट आप फैमिली के साथ नहीं रह सकते, चाहे CISF में हो, चाहे ITBP या BSF या किसी में भी हो, और या लड़की रूप में BSF, CRPF, CISF, इन किसी भी फोर्स में हो, तो हमेशा आपको ऐसा मौका नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, साल जैसे 15 साल या 20 साल की जैसे सर्विस है, उसमें से 10-12 साल, 14 साल, 15 साल मिल जाता है, तो चलता रहता है, डोंट वेरी, और अच्छे से आप ज्वाइन करना, जो भी आपको फोर्स मिले, चाहे कोई सी भी फोर्स मिले, उस सभी की ड्यूटियों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, फौजी जीवन जीना सीख जाओगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। जय हिंद।